कित कातर जो कड़काट थो कित घोबाटे घू घाट कयो कित कात को आड़ो कड़के पियो दुश्मन जो कंद लड़के पियो इत जिन जिन कौमन जंग लड़ी वरता पेंजा दंग लड़ी इत जिन जिन कौमन जंग लड़ी वरता पेंजा नंग लड़ी से कौमू थियो आजाद बिटाई मारू जिंदाबाद बिटाई मारू जिंदाबाद बिटाई। दोस्तों मैं रूपले के नाम पे एक शेर पढ़ूंगा। वो शेर सिंध के बहुत बड़े शायर हैं शेख अयाज, उन्होंने लिखा है कित कातर जो कड़काट थे हो। मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा पर लगता है थोड़ी आसानी भाषा है। कित कातर जो कड़काट थे हो कित घोबाटे घू घाट कयो। कातर बोलते हैं एक घूमने वाला जो हथियार है, शायद कोली समाज के लोग इसको समझते हो। कित कातर जो कड़काट थे हो कित घोबाटे घू घाट कयो कित कात को आड़ो कड़के पियो दुश्मन जो कंद लड़के पियो इत जिन जिन कौमन जंग लड़ी वरता पेंजा दंग लड़ी इत जिन जिन कौमन जंग लड़ी वरता पेंजा नंग लड़ी से कौमू थियो आजाद बिटाई मारू जिंदाबाद बिटाई मारू जिंदाबाद बिटाई। इस शेर में रूपले की लाइफ को उन्होंने मतलब कहा है कि यहाँ जो जो बंदा इस देश के लिए, इस देश के खूबसूरती के लिए जिस जिसने भी मतलब कुर्बानी दिए या युद्ध लड़ी है तो वो देश वो वतन अपने तरीके से आबाद रहे। अदरवाइज मैं क्या बोल सकता हूँ, सेटेलाइट के दौर में सब कुछ तुम्हारे सामने है कि हमने इस धरती पे रह के जो हमारा कल्चर था, जो हमारी तहजीब थी, जो हमारा सिस्टम था, वो हमने क्या खोया है, वो क्या पाया है, वो किसी से ढुका छुपा नहीं है। और आज की जो जनरेशन है, जो लेटेस्ट जनरेशन है, जो अपने मोबाइल की उंगलियों से पूरी दुनिया की समाचार रखती है, उसको सबको पता है कि इस देश में क्या हुआ, किस तरीके के मतलब यहाँ पे कंस्पायरेसीज हुई। मेरी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि मैं बेसिकली गुजराती लैंग्वेज हूँ, पढ़ा सिंधी और उर्दू में हूँ, फिर वकालत करता हूँ इंग्लिश में, और यहाँ भी गुजराती और आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉरी। तो मैं स्पेशली रूपले के लिए बोलूँगा, रूपलो कोली की जो पहली अंग्रेज ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़ाई का आगाज हुआ था वो मोर से हुआ था, पिकॉक मोर। वो शिकार कर रहे थे वादी कारुंजर में, और वहाँ पे इन्होंने मतलब इसका स्टैंड लिया था ब्रिटिश के खिलाफ। बगावत तो उसी समय चल ही रही थी, इन्होंने मतलब इस चीज का किया। और एक बहुत हिस्टोरियन है रायचंद हरिजन, उन्होंने एक शेर लिखा है गुजराती में, या हम इसको ढाटकी में कह सकते हैं, कारुंजरनी कोर माथे टहुके मोर मरिए पर मेलिए नहीं आज डूंगर लागे दीप। तो कहने का मकसद ये था कि कारुंजर जो जबल है उसकी जो खूबसूरती है, जो आदिवासी लोग हैं या जो एक गांव में रहने वाले या वो जो अपने जानवरों से अपने पक्षी जो हैं उनसे मोहब्बत करने वाला, उसकी जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को ये मतलब बर्बाद कर रहे हैं, उस पे इनका हुआ। और इसके बाद इतनी ये बगावत आगे चली कि वहाँ का जो सिस्टम था उसको पूरा मतलब जो है कोली कम्युनिटी और बाकी जो लोग थे उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, और ब्रिटिश को वहाँ से भागना पड़ा। और फिर ब्रिटिश हैदराबाद, जो पाकिस्तान का जो हैदराबाद है, वहाँ से एक पूरी ब्रिगेड लेके आए और पूरी ब्रिगेड जाके उनको अपना उस पूरे इलाके को ऑक्यूपाइड किया। और फिर बहुत लंबी सारी कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ चलते चलते फिर रूपलो कोली को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ उसके परिवार के तीन लोग और, रूपलो कोली, मडो कोली, डजो कोली और खेतो कोली। आप सबके पास मोबाइल है, आप मैं यहाँ पे आ रहा था या किसी ने बताया तो कोली समाज के जयपुर से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि यार हमने तो कभी सुना नहीं है। मैंने बोला भाई साहब जदीद दौर है, गूगल चालू करो और देखो क्या है क्या नहीं है, पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। तो फिर रूपलो कोली को गिरफ्तार किया गया और उससे उसके साथियों के नाम और ये सब पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया।
फिर उनकी जो उंगलियां थी उस पे कपड़ा लपेट के और उसको घी में डुबो के उसको जलाया गया। तो जलाया गया पर फिर भी उन्होंने किसी भी साथी का कुछ भी नहीं दिया। ये सर चार्ल्स नेपियर का बुक है, बड़ा फेमस बुक है सर चार्ल्स नेपियर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या मतलब ब्रिटिश लोगों ने भी छापा है, उसमें पूरी सिंध की हिस्ट्री है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी कि हमने मतलब इस तरीके का उसको जलाया वगैरह, पर उसने कुछ भी नहीं। फिर उसकी बीवी को मंगवाया गया कि तेरा जो पति है, ब्रिटिश में यही होता है कि या तो लड़ लड़ा के इसको ख़त्म कर दो या फिर मनवा दो, अगर मजबूत होता है तो उसको मनवा देते थे, जैसे यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने जो किया। तो इसको कहा कि भाई छोड़ दो ये सब, और आपको जो जागीर वागीर है खेतर वेतर दे देते हैं, अपने मजे से लाइफ बिताओ। तो फिर इसकी मिसिस को बुलाया गया, तो मिसिस ने बड़ी बहादुरी से ये जवाब दिया सिंधी में। फिर एक शायर ने लिखा है कि दोदा तुम जो सहा तींदो पर वैसा न वींदो, मतलब तेरा सांस तो जाएगा पर वैसा वो नहीं जाएगा ये धरती के लिए। और इस धरती के लिए आदमी का मरण और जो जन्म का सिस्टम है ये तो चलता है। उसने बहादुरी से ये कहा कि अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरे जैसे मैं कई रूप ले पैदा करूंगी। तो ये एक इनका बहुत बड़ा इतिहास है, और मुझे आज ज़ाती तौर पे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पर आया हुआ हूँ, और मैंने आज अपना समाज देखा है। सिंधी समाज भी हमारे समाज का हिस्सा है, क्योंकि हम सिंध में रहे हैं, सिंधी बोलते हैं और ये सब है। तो हमें बहुत खुशी हुई, और एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में आने वाली जनरेशन के लिए, और ख़ास करके ये मुझे प्राउड है अजमेर के लोगों पे कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और हमें अहमदाबाद से यहाँ आना पड़ा और हम यहाँ आपके सामने हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मैं फील कर रहा हूँ, बहुत गौरव हो रहा है मेरे को। थैंक यू, आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी।